भारत की सरकारी विद्यालय व्यवस्था विश्व की जटिलतम प्रणालियों में से एक है। अब 98% ग्रामीण इलाकों में केवल 1 किलोमीटर चलकर एक प्राथमिक विद्यालय पहुंचा जा सकता है। इससे स्कूलों में नामांकन काफी बढ़ा है, खासकर लड़कियों का। बच्चों के स्कूल छूटने की दर घटी है और युवा साक्षरता बढ़ी है। इन सफलताओं के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की छवि अच्छी नहीं है। शायद इस व्यवस्था से हमारी अपेक्षाएं काफी अधिक हैं और होनी भी चाहिए। फिर भी परिवर्तन में समय तो लगेगा ही, और यह हमारी साझी जिम्मेदारी भी है। हम सरकारी स्कूलों के साथ ही काम कर रहे हैं और हमने कई सकारात्मक स्थितियां देखी हैं। इनमें से कुछ कहानियां आप तक पहुंचाकर हम इसका निर्णय आप पर छोड़ना चाहते हैं। चलिए देश भर में फैले कुछ अच्छे सरकारी विद्यालय देखते हैं। ग्रासिया समुदाय एक योद्धा जाति थी जो राजस्थान के मेवाड़ इलाके में रहती थी। आपसी लड़ाइयों और तत्पश्चात बिखर जाने के कारण दूसरी जातियों ने उन्हें बाखर नाम के जंगली इलाके में खदेड़ दिया। धीरे धीरे इनमें से कुछ लोग सिरोही राजस्थान के थंडीवेरी गांव में आ बसे। थंडीवेरी में बहुत कठिनाइयां हैं, जैसे कि चलता पानी, बिजली और शौचालय जैसे साधारण सुविधाओं का न होना। भौगोलिक रूप से यहाँ सब घर एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों को समकालिक दुनिया के संपर्क में आए बहुत कम समय हुआ है। इससे उनके जीवन में कई बदलाव आए हैं। कुछ समय पहले यहाँ लोग बस खेती और भेड़ बकरी चराते थे और उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर जब आमली में ग्राम पंचायत बनी, तब सरपंच भूर सिंह जी ने गांव वालों को पढ़ाई के फायदों के बारे में बताया और उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने का बढ़ावा दिया। इससे थंडीवेरी में पढ़ाई के प्रति काफी जागरूकता आई। तो अब पहले ये शिक्षा का प्रसार कर होने के कारण से ये दबे हुए थे, और अब इनके अंदर वो एक इस गांव के अंदर तो क्रांति सी आ गई। अब आपके पढ़ाई के मामले में तो ये इतने जागरूक हो गए हैं कि मैं ये देखता हूँ कि आने वाले समय में ये थंडीवेरी के तो बहुत बड़े अच्छे से अच्छी पोस्टों पे जाने वाले हैं। अपने गांव में स्कूल हो तो गांव में इधर ठीक है, पढ़ाने के लिए दूर भेजना पड़ता बच्चों को, छोटे बच्चे जा नहीं सकते, साथ में लेके जाना पड़ता, वापस लेना जाना पड़ता। गांव में तो ये ठीक है, पास में यहाँ पर अच्छे से अच्छे पढ़ाते हैं। वहाँ पर थोड़े पढ़ाते नहीं थे, कभी टीचर एक स्टाफ रूम में जाके बैठते थे, वहाँ पर सब कुछ सवाल पहले से बता देते थे, और बताने के बाद तो क्या होता है, सब सबको याद करने याद करके बाद में वो सबको उसमें फर्स्ट का कोई मतलब नहीं रहता था, सब आ सकते थे वो वहाँ पर तो फर्स्ट। श्रवण सिंह देवड़ा जी कहते हैं कि पहले यहाँ के स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं थी और कोई भी शिक्षक यहाँ नहीं आना चाहता था, पर अपने सर्विस के आखिरी वर्षों में उन्होंने अधिकारियों के मना करने के बावजूद भी यहाँ आने का फैसला किया ताकि वह इस स्कूल को सुधार सके। जब वह यहाँ आए तब स्कूल में 267 का नामांकन था, जिसमें से 150 बच्चे ही स्कूल आते थे। बस 4 लोगों का स्टाफ था, पर उनके विचार श्रवण जी से मिलते थे और उन्होंने स्कूल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन सब ने मिलकर 1-2 साल के लिए बहुत प्रयास किया और गांव वालों की मदद भी लेते रहे, उनके साथ बैठक करते रहे, उनके घरों में जाते रहे और समुदाय के साथ अच्छे संबंध स्थापित करते रहे, और इस तरह हर साल नामांकन भी 100-100 बच्चों से बढ़ता रहा। तो मैं 2016 में रिटायर्ड हुआ, उस समय 479 का नामांकन था, और आज भी मैंने देखा है अभी बोर्ड पर 478 का आज भी नामांकन है। तो मतलब नामांकन बहुत बढ़िया हुआ, शिक्षा का इतना एक इन लोगों के अंदर वो भावना ऐसी पनप गई कि मैं ये मान रहा हूँ कि आने वाले 4-5 साल के अंदर थंडीवेरी में कोई बालक आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा। माँ बाप इतने जागरूक हो गए हैं कि वो हम पढ़े या नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारा बच्चा स्कूल जरूर जाना चाहिए। हीरा राम जी कहते हैं कि वह भी एक आदिवासी परिवार से हैं और इसलिए बच्चों की भाषा और उनकी बातें समझते हैं। वह क्षेत्रीय भाषा और हिंदी का एक साथ उपयोग करते हुए पढ़ाते हैं और उनके अनुसार इससे काफी फायदा हुआ है। जब इस फील्ड में आ गए तो हम खूब खुश हुए। चलो यार, हम मास्टर बन गए, बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब शुरू से हमारे में कुछ ललक जिज्ञासा जग गई
और वो भी अपने ही मौके अपने ही एरिया में अपन को सर्विस करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना अपने समाज को आगे बढ़ाए। हीरा राम सर कहते हैं कि वे इस स्कूल में पहले भी पढ़ाते थे जब स्कूल प्राइमरी से मिडिल बना था, और उस समय हर क्लास में मुश्किल से एक या दो लड़कियां थीं। और अब जब वह कई सालों के बाद यहां आए तो देखा कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। वह अभिभावकों में पढ़ाई को लेकर जागरूकता को देखकर बहुत खुश हो गए। वैसे कहा जाता है कि लड़की एक लक्ष्मी के रूप में होती है, इसलिए उसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। यहाँ अब ऐसा नहीं सोचता, पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है पूरी तरह से, लगभग नकारात्मक रूप उनके दिमाग में है ही नहीं। कुल मिला के पढ़ाई करने से ज्ञान ज्यादा बढ़ता है, नहीं पढ़ाई करते तो ज्ञान नहीं होता, इसलिए जल्दी भाग जाते, ससुराल चली जाती है। पढ़ी लिखी नहीं होती तो जल्दी ससुराल चली जाती है। घुमा राम जी कहते हैं जब अभिभावकों ने दूसरे गांव वालों की लड़कियों को स्कूल जाते देखा तब उन्होंने भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया, और इसमें हीरा राम जी जैसे अध्यापकों का बहुत बड़ा हाथ है। श्रवण सिंह देवड़ा जी बताते हैं कि जब उन सब ने मिलकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों से बात की तब उन्होंने यह कहा कि उन्हें लड़कियों को घर के काम और छोटे भाई बहनों को देखने के लिए घर में रखना पड़ता है। मैंने कहा छोटे बच्चों को रखना है, बकरियां चराना है, कुछ भी काम करना है, तो ये तो मैंने कहा भाई किसका काम है, ये तो आपका काम है। स्कूल मैंने कहा 7 बजे खुलता है, 12 बजे 12:30 बंद हो जाता है, अब 5.5 घंटे के लिए भी आप मैनेज नहीं कर सकते, 19 घंटे बच्चा आपके पास में रहता है, तो आपके काम के अंदर सहयोग कर लेगा, अब 5 घंटों के लिए भी आप रोक लेते हो तो फिर आप बालक का विकास कैसे करवाओ। हीरा राम जी बताते हैं कि ग्रासिया समाज के लोगों को घूमना, त्योहार और मेले बहुत पसंद है। इन मेलों में युवा वर्ग के बच्चों का एक दूसरे से मेल जोल होता है। बात आगे भी बढ़ती है तो कभी कभी ऐसे होता है कि भाई हमारे माता पिता तो इनके साथ भेजने वाले नहीं है, तो वो लोग अपनी मर्जी से वहाँ से भी भाग के जा सकते हैं, जिनको हमारी भाषा में खोसना कहते हैं या दूसरी भाषा में गियरे का मतलब बच्ची चली गई। हीरा राम जी यह भी बताते हैं कि लड़के के परिवार को लड़की के घर में संदेश भेजना पड़ता है कि उनका लड़का लड़की को अपने घर ले आया है। इसके बाद दोनों तरफ से 5-5 लोग मिलते हैं और बात करते हैं। बात सफल होने पर लड़के का परिवार कुछ राशि भेंट के रूप में देते हैं जिसे दापा कहते हैं। बात नहीं बनने पर उन्हें सामाजिक दंड के रूप में लड़की वालों को कुछ देना पड़ता है। अज्ञानता से हमारे में मैरिज जल्दी कर देते हैं, 17 साल की, 14 साल की, 15 साल की बच्चियां में शादियां जल्दी कर देते हैं, तो ताकि क्या है कि उनका जो शिक्षा चल रही थी वो ड्रॉप हो जाती है। ये हमारे सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। और शादी कर दूंगा तो मेरी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि उसको उसके लिए वाइफ के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाऊंगा, और फिर वही पत्थर गढ़ाई और इस तरह का काम मुझे करना पड़ेगा कोई भी काम, तो इससे मुझे कोई फायदा। मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि मेरे पहले जॉब लगे और उसके बाद में शादी। पढ़ने से शिक्षा मिलता है, खाने पीने में ध्यान रहता है, और कहीं भी जाते हैं वो भी लोग लूट के नहीं खाते। हम तो पढ़ लिख कर वो मैंने कार्यकर्ता, वो हमारे वसाइले वो इन पर रह के ऐसे मजदूरी करती है। आजकल नोटबंदी के कारण वहाँ पर बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर नोटबंदी का कई पढ़ने वाले से जाके फटाक से वो पैसे जमा कराए गए, फिर बेचारा अनपढ़ है वो तो पीछे ही रह जाता है। उस 5-10 दिन में भीड़ में वही मर जाते हैं, भीड़ के कारण उसको वही पर सोते हैं, फिर भी नंबर नहीं आता। भरता राम जी कहते हैं कि स्कूल के लिए समुदाय का सहारा बहुत जरूरी है, और स्कूल बस बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं है, वह समुदाय के लिए भी है। स्कूल को समुदाय सपोर्ट करेगा तो वो स्कूल वाले शिक्षक और केयर करेंगे, बच्चों को ज्यादा सुधारेंगे, और समुदाय साथ नहीं देगा, समुदाय क्या कहेगा, शिक्षकों का कहेगा हमारे बच्चों को नहीं पताड़ना नहीं वगैरह करना नहीं, धमकी नहीं देना, ये नहीं करना, तो वो ठीक है स्कूल आएंगे और जाएंगे। अगर समुदाय इनको सपोर्ट करता है तो जब वो स्कूल प्रबंधन समिति ज्यादा से ज्यादा बच्चों को केयर करेगी, एक्स्ट्रा क्लास लेगी
उनको आगे से अपना उनका भी रिजल्ट सुधारने का कोशिश करेगी और बच्चे का जीवन सुधरेगा। और अभी ऐसा हुआ है कि कोई बाहर जाते हैं तो बोलते पढ़ना है, बाहर थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी होगा, बाहर जाते कैसे करेंगे। पहले हमारे जाने पिंडवाड़े जाते तो कोई जाते नहीं थे, अब तो बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, हमारे पत्रगढ़ में कहीं कहीं पहुँच गए, पता नहीं चल रहा है कि बंगलोर है, मद्रास है, पढ़ाई की तब तक जागे है वो।